लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीबी न्यूज में आपका स्वागत है। बॉलीवुड में काम करने वाले स्टार उन तारों की तरह हैं जो जब तक दिखाई देते हैं तब तक वे सितारे होते हैं। लोगों के बीच में वे काफी फेमस रहते हैं, लेकिन जब वे सितारे नजर नहीं आते तो लोग उनके बारे में सोचना तो दूर उनके बारे में पूछते तक नहीं है। इतिहास गवाह है कि कई ऐसे बॉलीवुड के मशहूर लोग समय की छाया पड़ने के साथ धूल की तरह उड़ा दिए गए हैं। कई फिल्मी सितारे, जिनमें से एक विलन के बारे में हम बताने जा रहे हैं, जो कि एक समय तक बॉलीवुड पर राज किया करते थे। उन्होंने कई सारी साउथ की फिल्में भी करी, जिनमें उन्होंने काफी शानदार अभिनय कर लोगों को अपने एक्टिंग का दीवाना बना दिया था। इस एक्टर का नाम है मुकेश ऋषि। इस वक्त मुकेश ऋषि की उम्र 60 साल हो चुकी है। एक वक्त तक उन्हें किसी भी तरीके का रोल दे दिया जाता तो वे उसे बिल्कुल असल दुनिया का जामा पहना देते थे। हमने उनकी एक मशहूर फिल्म सरफरोश में भी देखा था, जिसमें उन्होंने अपनी एक्टिंग का ऐसा जादू बिखेरा कि आमिर खान तक उनके कायल हो गए। अपने शानदार अभिनय से उन्होंने अपने बलबूते पर काफी सारे फिल्मों को हिट करवाया। ज्यादातर फिल्मों में उन्होंने विलेन का ही किरदार निभाया था और उनमें वे काफी सक्सेस भी रहे थे, लेकिन इन दिनों बॉलीवुड ने उनसे ऐसा किनारा किया कि उनके पास अब कोई काम नहीं है और ना कोई काम देने के लिए तैयार है। जैसे तैसे छोटे मोटे रोल कर अपना गुजारा कर रहे हैं। कभी वह तेलुगु, पंजाबी या फिर कभी कभार भोजपुरी फिल्मों में कुछ छोटे रोले पर नजर आ जाते हैं। कुछ समय पहले उनकी पूरी इंडस्ट्री में धाक थी। हर बड़ी से बड़ी फिल्मों में अगर कोई विलेन चाहिए होता तो लोग ऋषि को याद करते थे, लेकिन इन दिनों अब ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा महसूस होता है कि बुढ़ापा आते ही लगता है पूरी दुनिया लोगों को रिस्पेक्ट देना छोड़ देती है, जो कि गलत है।